हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी। टुडे आवर टॉपिक लाइक इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन। आज हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करने वाले हैं, और ये इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत छोटी बात है, यह रिप्रेजेंटेशन है। जो आपने पिछले वीडियो में देखा, पिछले क्लास में जो आपने देखा फूड चेन को, कि फूड चेन में कैसे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रेवल करती है, उसे ही हम लोगों ने आज पिरामिड के रूप में देखे हैं। वास्तव में इल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस कंसेप्ट को दिया था। तो आइए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड को देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, आज का टॉपिक ये कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। वैसे सब लोग जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर और छोटी चीज है। फिर भी हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। क्योंकि आपने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में ये देखा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड और कुछ नहीं है, फूड वेव और फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन है, वो भी फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन। फूडवेव भी नहीं, परमिट नहीं करता। चार्ल्स इल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस कंसेप्ट को दिया, इसलिए इसे हम लोग इल्टनियन पिरामिड भी कहते हैं। और ये पिरामिड शेप है, इसमें बहुत छोटी बातें और बहुत थोड़ी बातें आपको समझना है। लेकिन आइए सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्या कहता है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। You must be familiar with the shape of a pyramid. The base of pyramid is broad and it narrowed down at its apex. One get a similar shape whether you express the food or energy relationship between organism at different trophic level. फूड एंड एनर्जी दोनों के लिए। दस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो क्लियर हो गया कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम लोग देख रहे हैं वो तीन तरह के होते हैं। द बेस ऑफ इच पिरामिड represent the producer or the first trophic level, while the apex represents tertiary or top level consumer। आप जैसे देख रहे हैं ये पिरामिड का शेप है, इसे आप कहते हैं अपराइट पिरामिड और इसे कहते हैं डाउनवर्ड पिरामिड। लेकिन हमेशा चाहे वो अपराइट हो या वो डाउनवर्ड हो, इसमें ऑटोट्रॉप हमेशा बेस पर रहेगा। देखिए इसके ऊपर हर्बीवोरस, उसके ऊपर कार्निवोरस, और ये है टॉप लेवल कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस। तो ये दो तरह के पिरामिड है, इसको हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड और इसको कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। शेप के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड दो तरह के होते हैं। अपराइट पिरामिड को ही हम लोग कहते हैं इल्टोनियन पिरामिड। चार्ल्स इल्टन ने अपराइट पिरामिड की कंसेप्ट दिया था, बाद के लोगों ने डाउनवर्ड पिरामिड का भी कंसेप्ट दिया। वैसे पिरामिड आकार के अलावे दूसरे पैरामीटर पर भी बांटे जाते हैं। The three ecological pyramid that are usually studied, pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramid of energy,
तो आपने देखा कि आप पिरामिड को दो तरह से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स लाइक नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये देखिए, ये नंबर पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये एनर्जी पिरामिड है, ये बायोमास पिरामिड है, ये भी बायोमास। यहां देखिए, ये इन्वर्टेड पिरामिड है, बाकी तीनों ये अपराइट पिरामिड है। आप एक छोटी सी बात, एक छोटी सी क्लू जाने, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, वेरेज नंबर पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड मे बी अपराइट मे बी डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इकोसिस्टम। Am I right? अब पिरामिड जो बनते हैं ये क्या है, नंबर पिरामिड है और ये एनर्जी पिरामिड है, बायोमास पिरामिड है। कहता है पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर थ्री सिंपल फूड चेन। अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि पिरामिड के द्वारा हम फूड चेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिड के द्वारा हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फूड चेन के। ये तीन अलग अलग तरह के फूड चेन है, तीनों के लिए हमने पिरामिड को दिखाया है। ये पहले क्या है, नंबर पिरामिड है, ये क्या है, बायोमास पिरामिड है। ऑलरेडी बायोमास आप समझते हैं। यहां देखिए, इसी ये बात छोटी है इसलिए बड़ी बात करके हमने दिखाया। यहां ये क्या है, बेस बना है पिरामिड का, प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस है और ये टॉप लेवल कंज्यूमर है। ये पिरामिड का शेप बना हुआ है और ये पीले रंग का एरो क्या दिखा रहा है, एनर्जी का ट्रैवलिंग। ये बायोमास को भी दिखा सकता है, एनर्जी को भी दिखा सकता है और नंबर को भी दिखाएगा, नंबर भी देखिए। यानी अपराइट पिरामिड के द्वारा हम तीनों बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। हां, डाउनवर्ड पिरामिड कभी भी एनर्जी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कल या पिछले दिन 10% लॉ, लिंडमान लॉ देखा था, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है। इसलिए हमेशा एनर्जी की पिरामिड ऑपरेट होगा। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंडक्ट कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल, एट दैट ट्रॉपिक लेवल। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली ए फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इन टू अकाउंट। इसका कहना क्या है कि किसी भी एनर्जी कैलकुलेशन या बायोमास कैलकुलेशन या नंबर कैलकुलेशन में सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किए जाते हैं, उस ट्रॉपिक लेवल के, उस ट्रॉपिक लेवल के सारे। ये बात मैं पीछे आपको बताया हूं कि यहां देखिए, यहां पूरे जो भी प्रोड्यूसर हैं इनके बायोमास को कैलकुलेट करें आप, या नंबर को कैलकुलेट करें, या टोटल जी एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करें, फिर यहां नंबर देखें या एनर्जी कंटेंट देखें, हर बात को एक ही ट्रॉपिक लेवल पर। अब यही की एनर्जी को एक बार देखेंगे, यहां के एनर्जी को एक बार देखें, यही कहने का मतलब है। ऑल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ये अलग बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कंज्यूमर ही में रहेगा, किसी इकोसिस्टम में वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है। क्लियर? तो यहां ये लाइन का मतलब है
कि ऑल्सो ये गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली. वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शनल लेवल. ये हमेशा याद रखने की चीज है, नॉट ए स्पीसीज एज सच. ए गिवन स्पीसीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. अलग अलग इकोसिस्टम में भी वो प्ले कर सकता है, एक ही इकोसिस्टम में उसी समय वो दो ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल, ए स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड. अगर स्पैरो सीड को खा रही है, फ्रूट को खा रही है, पी को खा रही है, तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर. लेकिन वही स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर कब बन जाती है? व्हेन इट ईट इंसेक्ट एंड वर्म. अगर कीड़े को खा रही है स्पैरो तो सेकेंडरी कंज्यूमर, चावल के दाने को खा रही है तो प्राइमरी कंज्यूमर. तो सेम इकोसिस्टम में सेम टाइम में वो दो ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है. कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट ए फूड चेन? कि किसी भी फूड चेन में ह्यूमन कितने ट्रॉपिक लेवल को, तो आप जान ही रहे कि ह्यूमन क्या है. कीड़ा भी खाएगा, नहीं कीड़ा मतलब क्रस्टेशिया झींगा मछली, वो भी कीड़ा है. कीड़ा भी खाएगा, चावल दाल भी खाएगा, और सारे जानवरों के मांस को भी खाएगा. खाने वाले लोग ईगल भी खाते हैं. ईगल के दांत पर याद आया, देखो यहां भी हमने एक कंडक्ट दिखाया है कि एक फूड चेन से किस प्रकार रिलेट किया हूं मैंने. वास्तव में ये एनर्जी का पिरामिड है, 10% लॉ को भी शो कर रहा है, साथ में फूड चेन को भी दिखा रहा है. यहां ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इस पर उड़ने वाली हनी भी या इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, और इसको मोल जो खा रही है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इस मोल को अगर हॉक खा रहा है तो टर्शियरी कंज्यूमर है. तो टोटल 1000 टोटल किया है, 1 लाख जूल है. सोलर लाइट सनलाइट जो 1 लाख जूल आ रहा है उसका 10% 10,000 जूल प्राइमरी प्रोड्यूसर में आया, उसका 1,000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर में, 100 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर में, और 10 जूल टर्शियरी कंज्यूमर में. तो इसको हमेशा ऑपरेट होना होगा. ये पिक्चर इसलिए हमने दिया, यहां तीनों बात आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिंपल फूड चेन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी के लिए क्या है, और कैसे ये लिंडेमान लॉ को फॉलो करता है, और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को कैसे फॉलो करता है, एनर्जी का इकोसिस्टम में कैसे फ्लोता है, इन सारी बातों के लिए. इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ बायोमास आर अपराइट. आप पहले भी सुन रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं. यहां एक पिरामिड हमने दिखाया अपराइट. प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन हर्बीवोरस. देख ही रहे, प्रोड्यूसर मोर नंबर में है इस जिराफ के तुलना में, और जिराफ का ये जेब्रा सॉरी जेब्रा के तुलना में, और जेब्रा की भी संख्या ज्यादा है लायन की तुलना में. द प्रोड्यूसर आर मोर इन द नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोरस, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स. ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन हाइयर लेवल. सिंपल बात है, यहां कोई बहुत बड़ी बात समझाने की है नहीं. The pyramid of biomass in sea also generally inverted. अब बायोमास पिरामिड की बात कर रहा है.
कि बायोमास पिरामिड जो है कहां पर इन्वर्टेड होगा, तो क्या कह रहा कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑल्सो जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंकटन। देखिए यहां दोनों तरह के हम बायोमास के लिए पिरामिड दिए हैं, ये अपराइट और ये डाउनवर्ड। तो फाइटोप्लैंकटन का बायोमास उस इकोसिस्टम में रहने वाली हर्बीवोरस मछलियों से कम है और कार्निवोरस मछलियों का बायोमास इनसे कम है, स्टैंडिंग वेट स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए ये क्या है, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है 120 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो आप अगर पिरामिड कंस्ट्रक्ट करोगे तो कैसा होगा, 4 ग्राम है तो बेस छोटा बनेगा, उससे ऊपर तो ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा या नहीं होगा, समझ रहे हैं या नहीं, बिल्कुल होगा। अगर यही आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाएंगे बायोमास के लिए तो क्या होगा अपराइट। अब यहां देखिए प्रोड्यूसर 1000 केजी, हर्बीवोरस 100 केजी, प्राइमरी कार्निवोरस 10 केजी, टॉप कंज्यूमर 1 केजी। क्लियर, तो आपने इस पैराडॉक्स को समझा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ओशन फ्लोर बड़ा है, वह फाइटोप्लैंकटन है ज्यादा है लेकिन पर मीटर स्क्वायर में फाइटोप्लैंकटन कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन, ये भी जनरल बात हुई अपराइट पिरामिड के बारे में। बायोमास में आपने देखा कि दोनों तरह के पिरामिड होंगे, अब आए थोड़ा नंबर पिरामिड के बारे में बात कर। If you were to count the number of insect feeding on a big tree, what kind of the pyramid would you get? Now aid an estimate of the number of a small bird depending on the insect and also the number of larger bird eating the smaller. ये कैसा होगा, ये स्पिंडल सेपेड होगा, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब डाउनवर्ड और इनवर्टेड के अलावा तीसरा पिरामिड आया स्पिंडल सेपेड। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्पिंडल सेपेड, देखिए ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये प्रोड्यूसर क्या है एक ट्री है, इस ट्री पर क्या है हर्बीवोरस है इंसेक्ट्स और छोटे छोटे बर्ड्स, कार्निवोरस कौन है स्नेक है फॉक्स है लिजार्ट है, और टॉप कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस कौन है टाइगर है लायन है, तो कैसा हुआ, इसको कहते हम लोग स्पिंडल सेपेड, क्योंकि प्रोड्यूसर एक है हर्बीवोरस इंसेक्ट्स और बर्ड्स है लेकिन उस पर रहने वाले सांप भेड़िया फॉक्स भी चढ़ जाते पेड़ पर, लिजार्ड भी पेड़ पर रहते, लायन टाइगर भी पेड़ पर चढ़ते पेड़ पर शिकार कर लेते हैं। तो आपने देखा ये कैसा हुआ, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल सेपेड। अब यही एक दूसरी बात मैं पूछता हूं, प्रश्न कहां आपका फंसेगा, ये नहीं कि ट्री इकोसिस्टम में हमेशा स्पिंडल सेपेड होगा, नंबर पिरामिड की ही बात कर रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट, नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ ए स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। अगर केवल बर्ड तक बात रहेगी तो यह बात होगी, क्योंकि ठीक है इसमें ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, मान लो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स इससे कम ही संख्या ना होगा स्मॉल
लार्जर बर्ड का, उससे ही कम संख्या हुआ और लार्जर बर्ड का। लेकिन मैं इस एक दूसरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं कि एक ट्री है, उस पर बहुत सारी चिड़िया है और प्रत्येक चिड़िया के शरीर में बहुत सारे पारासाइट हैं, लाइस, फ्ली इत्यादि। तो पारासाइट किससे भोजन ऑब्टेन कर रहे हैं? बर्ड से। और बर्ड्स किससे भोजन ऑब्टेन कर रही है? ट्री से। कब कैसा है? नंबर पिरामिड होगा। देखें, ट्री प्रोड्यूसर है, बर्ड्स आर्बिवोरस है, इसके ऊपर पारासाइट है लाइस एंड बग, और हाइपर पारासाइट है फ्ली एंड माइक्रोब्स। तो देखिए इन्वर्टेड पिरामिड हुआ कि नहीं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कब नंबर उसी इकोसिस्टम, वो ट्री इकोसिस्टम के लिए कब ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा और कब स्पिंडल सेपरेट पिरामिड होगा। ये तो अपराइट है। तो आपने ये देखा कि बायोमास पिरामिड दो तरह के होंगे, अपराइट और इन्वर्टेड, लेकिन नंबर पिरामिड तीन तरह के होंगे, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल सेपरेट। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज ए हीट एट इच लेवल। आप सब लोग समझ रहे हैं, इच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इच ट्रॉपिक लेवल गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। देख रहे हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, और इस ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होने में एनर्जी हीट के रूप में लॉस करती जाएगी। एनर्जी क्या करेगा? हीट के रूप में लॉस होगा, इसलिए हमेशा ट्रांसफर होगा तो नीचे एनर्जी ज्यादा रहेगी प्रोड्यूसर में, उससे कम रहेगी प्राइमरी कंज्यूमर में, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर में, सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर में। क्या आपने एनर्जी पिरामिड को देखा? और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ, अब इकोलॉजिकल पिरामिड का ड्रॉबैक क्या है? However, there are certain limitation of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more tropic level. पूछेगा पहला drawback कि ये एक ही species एक से ज्यादा tropic level को represent करता है, उसकी यहां पर कोई count नहीं है। दूसरा, या इसी बात को फिर दोहरा रहा है, इट एज्यूम सिंपल फूड चेन, यानी ये केवल सिंपल फूड चेन पर आधारित है। यही कारण था कि इसको पुराने वीडियो से मैंने अलग रख दिया था। समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, कि ये पिरामिड जो है सिंपल फूड चेन पर आधारित है। और कल भी मैंने बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला था कि नेचर में फूड चेन पाया ही नहीं जाता, इमेजिनरी होता है, सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहां से ये एग्जिस्ट करेगा? इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट फूड चेन, और जो फूड वेव, सॉरी, जो नेचर में चलता है वो है फूड वेव, और फूड वेव के बारे में ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये ड्रॉबैक है। तो पहला ड्रॉबैक वो था कि एक स्पीसीज दो ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, उसको नहीं बताता, और दूसरा हुआ कि ये फूड वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। मोरेवर सेप्रोफाइट, सेप्रोबायोच या सेप्रोट्रॉप्स आर नॉट गिवेन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन हो या इकोलॉजिकल पिरामिड हो, इसमें डीकम्पोजर के बारे में कोई बात नहीं, जबकि उनमें भी ऊर्जा जाती है।
उनमें भी बायोमास जाता है। तो ये डीकंपोजर की चर्चा नहीं करते। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के ये तीन ड्रॉबैक हुए और इन तीनों ड्रॉबैक को आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेशन एंड इवन थ्रो दे प्ले ए वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। ये भी पिरामिड है, इस पिरामिड में भी आप वही बात देख रहे हैं, अपराइट पिरामिड है। तो इस तरह से यह बात मैं समझ रहा हूं कि आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में सारी बातें जाने, और मुख्य रूप से मैं इकोलॉजिकल पिरामिड को जो बता रहा था वो वास्तव में फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम का ही पार्ट था। उसी के अंदर हमें आपको फूड वेव, फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड बताना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को देखा, जो इकोसिस्टम की बहुत बड़ी फंक्शन है। और अब हम लोग चलते चलते पूरी बातें एक बार देखें कि वास्तव में एनर्जी फ्लो में हम लोगों ने क्या सीखा इकोसिस्टम में। एनर्जी इन इकोसिस्टम, लेट्स रिव्यू। एनर्जी इज नॉट रिसाइकल्ड, पहला लाइन सीखा। एनर्जी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली सप्लाई, दूसरा लाइन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मस्ट लिविंग थिंग इज द सन, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन इन एवरी इकोसिस्टम, फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड एनीवेयर। अब इसके बाद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, कि ड्यूरिंग एनी बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना ऊर्जा का सृजन होता है, ना ऊर्जा का विनाश होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। इस स्थानांतरण और रूपांतरण के दरमियान ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाएगा, जिसे हम एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। अतः नो एनी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज 100% इफिशियंट। दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं है जो ऊर्जा के लिए 100% दक्ष हो। तो इकोसिस्टम भी तो एक सिस्टम है, यह भी 100% इफिशियंट नहीं है, इसकी इफिशियंसी भी है। इसी संदर्भ में आपने फूड चेन की इफिशियंसी 10% जो लिंडमान को देखा था, वो यूनिवर्सल सत्य नहीं है। आप बच्चे हैं इसलिए आपके लिए वो कहा गया है। फर्दर इकोलॉजी में आप जब चलेंगे और डिटेल अध्ययन करेंगे इकोलॉजी का, आप इकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता चलेगा कि लिंडमान लॉ बहुत यथार्थवादी नहीं है, बहुत यूनिवर्सल नहीं है। ओके, तो ये दूसरा है लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको अभी हमने बोला। विथ द एवरी ट्रांसफर और चेंज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दैट इज ए लॉस ऑफ यूजफुल एनर्जी। आपने यही बात गेन किया, ये समरी है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी देखा और इकोसिस्टम के चार फंक्शन में से तीन फंक्शन को देख लिया। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो। अब चौथा फंक्शन जो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग अगले दिन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्योंकि इसलिए मेरा बोलना यहां जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी के किताब में पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन देके बाद में उन्होंने लिखा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे चार अगर फंक्शन जानना चाहते हैं तो तीन फंक्शन अभी खत्म हुआ, चौथा फंक्शन के लिए पुनः हम थोड़ी देर में उपस्थित हो रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे।